दोस्तों आजकल पेट्रोल और डीजल का दाम इस तरह से बढ़ रहा है कि लोग गाड़ियां ये सोचकर खरीदने से कतरा रहे हैं कि इसमें तेल कहां से भरवाएंगे। दोस्तों जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपए लीटर बिकता था वो अब 100 रुपए के पार बिकता है, और इस बढ़ते दाम को देखकर मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा कि काश पेट्रोल हम घर में ही बना लेते। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है। इसीलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। Factify, facts on your face. दोस्तों पेट्रोल हो या डीजल, इसकी कीमत यूं ही आसमान नहीं छू रही। बनाने से लेकर बंटने तक ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इसकी बढ़ती कीमत के लिए जिम्मेदार है। ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल कंपनीज पेट्रोल और डीजल को सीधे जमीन से पंप करके निकाल लेती हैं और पेट्रोल पंप तक वो पहुंच जाता है। दरअसल जमीन से निकालने से लेकर इसे बेचने तक कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, क्योंकि पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के अंदर एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है जिसे कच्चा तेल कहा जाता है, और ये दोनों ही फ्यूल इसी कच्चे तेल या पेट्रोलियम से बनते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से मिलने वाला तेल। वैसे इस पेट्रोलियम के बनने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। हजारों लाखों साल पहले जब इस धरती पर समय समय पर कई बार डिजास्टर्स आए, तब धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए और डिकम्पोज होकर इस पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। चूंकि हजारों सालों तक दबे रहने के कारण प्रेशर और हीट भी जनरेट हुई, इसीलिए वो लिक्विड में बदल गए। ऐसे में इसके बहुत सारे सोर्सेस समुद्र के अंदर या फिर जमीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और इसकी क्वालिटीज को जाना तो ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को जमीन से निकालना शुरू कर दिया। इसे कच्चा तेल या फिर क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, नेप्था, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें बनती हैं। एक बार जब इसे निकाल लिया जाता है तो इसे कच्चे तेल को कारखाने में लाया जाता है जिसे रिफाइनरी कहा जाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता, और दुनिया में कुछ ही जगह है जहां जमीन के अंदर ये मिलता है। और जैसा कि हमने बताया कि ये जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मिलता है, जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरीज बनाई जाती हैं, और जमीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए वहां तेल के कुएं बनाए जाते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही टफ होता है। समुद्र हो या फिर जमीन, असल में वक्त लगता है उस लैंडमार्क सोर्स को ढूंढने में जहां तेल हो, और कभी कभी उस सोर्स को ढूंढने में सालों या फिर दशकों भी लग जाते हैं। जो तेल हम तक पहुंचता है उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तेल ढूंढती रहती हैं। जब इस मशीन को एक जगह तेल मिल जाता है तो इसे आसपास की चट्टानों की मदद से मजबूती से वहीं बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं, ठीक वैसे ही ये ड्रिल हजारों फीट नीचे तक जाती है, और फिर तेल मिलते ही उसे पाइप्स की मदद से रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। जमीन पर भी ड्रिलिंग का काम कुछ इसी तरह से होता है। इसके बाद उसे रिफाइनरी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बर्तनों में इसे डालकर गर्म किया जाता है, और अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइप्स की मदद से निकाल ली जाती है। और दोस्तों पेट्रोल हो या डीजल, वो हमें इस कच्चे तेल के अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हर तेल का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं ये कच्चा तेल भाप बनकर उड़ने लगता है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है, तो वही पेट्रोल हमें 40 डिग्री पर ही मिल जाता है, और 160 डिग्री पर हमें मिलता है केरोसिन ऑयल। इस तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिलती हैं। अब दोस्तों ये पेट्रोल और डीजल बनाने के बाद इनकी टेस्टिंग होती है कि ये कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है।
क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्टेन होगा तेल को उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। पहला कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि जमीन से इसे निकालना एक बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। इसी प्रोसेस की वजह से इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, वहां ये तेल सस्ते पड़ते हैं, लेकिन वही जिन देशों के पास कच्चा तेल नहीं होता, जैसे कि इंडिया, वहां पर इनकी रिफाइनरीज और डिस्टिलेशन का खर्चा बढ़ जाता है। और आज दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी लगाती है। अपने इंडिया में ही स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट मिलकर 60% से ज्यादा टैक्स इन पर लगाती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी कीमत हमेशा बढ़ती ही रहेगी क्योंकि कच्चा तेल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि एक बार ये खत्म हो जाए तो फिर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज के वक्त में ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश इसीलिए इतने अमीर हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स इन्हीं के पास है, जिससे इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और इन सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का एक संगठन भी है जिसे ओपेक कहा जाता है, जो मिलकर दुनिया भर में तेल की कीमतें तय करते हैं और इस तरह तेल की कीमतों पर इनकी मनमानी चलती है। आज भले ही सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजीज आ गई है, लेकिन इनकी भी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इन दोनों ही फ्यूल्स का इस्तेमाल शामिल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ आ गई होगी कि पेट्रोल और डीजल को जमीन से कैसे निकालते हैं और इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि पेट्रोल हो या डीजल, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो एक दिन खत्म होने ही हैं। इसीलिए हमें इसके इस्तेमाल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। खैर आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक आप अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।